हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। और होली कैसी रही आपकी? मज़े में रही होगी। और मेरा ये जो व्लॉग है, यह है 2 दिन का, छोटी होली और बड़ी होली दोनों दिनों का। तो छोटी होली पे हमारे यहाँ पे पूजा होती है और बनती है कढ़ी चावल। तो मम्मी बना रही हैं कढ़ी और नहा धोकर पूजन किया जाता है। तो आई वॉज़ बिज़ी टेकिंग शावर, तो तब तक मम्मी ने कढ़ी बना दिया था। कढ़ी की रेसिपी मैं आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ, बट स्टिल मेरी कढ़ी और मम्मी की कढ़ी काफ़ी फ़र्क है। जैसे आप देख ही सकते हैं, मम्मी कढ़ी में डालती हैं बहुत सारी कसूरी मेथी और करी पत्ता, और उनकी कढ़ी बहुत अच्छी बनती है, बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं और प्रोसीजर है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, पर मम्मी 2-3 चीज़ें मेरे से एक्स्ट्रा और डिफरेंट करती हैं। जैसे कि अभी वो यहाँ डाल रही हैं थोड़ा सा अदरक कस के, मैं कढ़ी में अदरक नहीं डालती हूँ। और इसके बाद जैसे नॉर्मली पका लेते हैं ना कढ़ी को, उसी तरह पका के पकौड़ियाँ बना के और इसको फिर छौंका लगाएंगी, तो वो मैंने मम्मी से ही सीखा है। मेरी मॉम थोड़ी अलग तरह की कढ़ी बनाती हैं, तो मैं है ना कुछ अपनी मम्मी और कुछ अपनी सासू मॉम, इन दोनों का जो बनाने का तरीका है कुछ कुछ दोनों में से मैंने डिराइव किया है, और ऐसा मैं कढ़ी बनाती हूँ। तो यहाँ पे कढ़ी बन चुकी है और मम्मी बना रही हैं पकौड़े, एंड एज़ यूजुअल हेल्प करा रहे हैं पापा। मम्मी को हमेशा पापा किचन में कंपनी देते हैं जब भी थोड़ा भी इलैबोरेटेड कुकिंग होता है। तो और मम्मी कढ़ी के लिए पकौड़े बनाती हैं एकदम सादे, जबकि मैं बनाती हूँ प्याज वाले, आलू वाले। मैं मिक्स वेज के भी पकौड़े बना लेती हूँ कढ़ी के लिए, पर मम्मी हमेशा सिंपल सादे पकौड़े बनाती हैं कढ़ी के लिए। इनफैक्ट मेरी अपनी मम्मी भी प्याज धनिया मिर्च वाले पकौड़े ही बनाती थी कढ़ी में, वो भी अच्छे लगते हैं और ये सादे वाले पकौड़े भी अच्छे लगते हैं। फिर पकौड़े बनाने के बाद मम्मी क्या करती हैं, इन पकौड़े नहीं एक्चुअली पकौड़ियाँ हैं, छोटी छोटी सी हैं, तो इनको मम्मी पानी में डुबो लेती हैं। और वो ऐसा इसलिए करती हैं जिससे कि ये जो पकौड़ियाँ हैं ये सॉफ़्ट हो जाएं। कभी कभी उतनी सॉफ़्ट नहीं बन पाती हैं, तो ये पानी अब्सॉर्ब करके ना काफ़ी सॉफ़्ट हो जाएंगी। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपकी कढ़ी वाली पकौड़ियाँ डेंस बनती हैं और यू नो गाढ़ी बनती हैं, कड़क बनती हैं, तो आप ये ट्रिक आज़मा सकते हैं। कढ़ी तैयार है, पकौड़ियाँ तैयार हैं। यहाँ पे मम्मी अभी छौंका लगा रही हैं कढ़ी को, और उन्होंने लिया है ऑयल में थोड़ा सा मेथी दाना, थोड़ी सी हींग और 2 लाल मिर्ची इस तरह से तोड़ के। और मैं और मम्मी बिल्कुल सेम ही तड़का लगाते हैं, मैंने मम्मी से ही सीखा है। अभी जब ये सब अच्छी तरह से भुन जाएगा तो इसके बाद फिर मम्मी इसमें डाल देंगी लाल मिर्ची का पाउडर, और फिर ये छौंका जाएगा कढ़ी के ऊपर। कढ़ी में मम्मी ने लाल मिर्ची नहीं ऐड किया है, और छौंका लगा देने से कढ़ी दिखने में तो सुंदर हो ही जाती है, इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाता है। और हमेशा जब भी आप छौंका लगाएं ना, तो जिस बर्तन से छौंका लगा रहे हैं उसमें थोड़ा सा दाल या कढ़ी डाल के वापस ऐड किया कर दिया कीजिए। मतलब आप दाल या कढ़ी को छौंका लगा रहे हैं ना, तो थोड़ा सा तड़का वाला जो पैन होता है उसमें ऐड करके डालेंगे ना, तो बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर ऐड होता है। यहाँ पर पकौड़ियाँ अच्छी तरह से फूल चुकी हैं, तो अब मम्मी इनको थोड़ा थोड़ा सा निचोड़ के कढ़ी में ऐड कर देंगी। तो कढ़ी पकौड़ी हो गई है रेडी, और इसके बाद हम लोग आज के दिन कच्चा खाना ही खाते हैं, कच्चा यानी कि पूरी वगैरह नहीं खाई जाती है। तो फिर मैंने बाद में बना दी हैं ये चपाती। चावल बनाए हैं जो मांड वाले चावल होते हैं ना, जिसका पानी उतार लिया जाता है, ऐसे ही बनाए जाते हैं। तो ये मैंने आज जीरा राइस नहीं बनाया है, ये उबाल कर जो चावल बनाया जाता है वो बनाया है। और ये फिर मैंने बनाई थी जो पूजा के लिए 16 रोटियाँ रखी जाती हैं हमारे यहाँ, तो वो। और अब लगे हैं यहाँ पर मम्मी पूजा करने। और होली, दिवाली, सभी त्योहारों पे हर किसी के घर में पूजा होती ही है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, सबके अपने अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो हमारे यहाँ पे इस तरह कनेर की डाली रखकर पूजा की जाती है, और जो साइड में आप देख रहे हैं वो गोबर के छोटे छोटे कंडे जैसे होते हैं, उसे बुरकले कहा जाता है, पर वो छोटे छोटे काउडन केक होते हैं। इसमें इसकी एक जोड़ी होती है, एक को घर में रखा जाता है सुख समृद्धि के लिए, और एक को फिर जो होली का दहन होता है ना वहाँ पे चढ़ा के आया जाता है, इसकी बात कर रही थी मैं। और खाने का तो जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ, हमारे यहाँ कच्चा खाना बनता है, पूरी नहीं, कढ़ी चावल और रोटी, और यही हम लोग भी खाते हैं, और यही फिर बाहर भी खिलाई जाती है, यानी कि गाय वगैरह को।
और यहाँ पे जो घर का बड़ा पुत्र होता है वो इस तरह सात लपेटे देता है। आप में से कुछ लोग इस तरह की पूजा करते होंगे हमारे जैसे, पर कुछ लोग यहाँ पे बहुत ही अलग तरह की कस्टमरीज होंगी, और यही तो ब्यूटी है हमारी वाइल्ड हेरिटेज की। तो बहरहाल यहाँ पे शर्मा जी कनेर की डाली है ये, इसको जो मौली होती है ना उससे सात लपेटे दे रहे हैं, और इसके बाद फिर पूजा होगी, कथा सुनाई जाएगी, और उसके बाद फिर हम लोग खाना खाएंगे। एंड यस, खाना खाने से पहले मम्मी तो जहाँ पे होलिका दहन होता है ना, जहाँ लकड़ियाँ रखी जाती है, वहाँ पे पूजा करके आए थे, दान दक्षिणा करके आए थे, उसके बाद उन्होंने पूजा किया। और शाम में मैंने और मम्मी दोनों ने पहना था साड़ी। हम लोग जाने वाले हैं डाउन स्टेयर्स सोसाइटी में जो होलिका दहन का प्रोग्राम है वहाँ पर। और ये मुझे एक छोटा सा गिफ्ट भेजा है जूल्स गैलेक्सी ने। ये जो भी आइटम्स हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, इन केस आप इंटरेस्टेड हैं तो आप चेक कीजिएगा। और यहाँ पे थोड़े से ईयरिंग्स हैं और कुछ सेट्स हैं। जूल्स गैलेक्सी की अपनी एक वेबसाइट भी है, और इनके जो प्रोडक्ट हैं वो अमेज़ॉन वगैरह पर भी मिलते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे ही लिंक्स मेंशन कर दूंगी, आप इंटरेस्टेड हैं तो आप चेक कर सकते हैं। बाय द वे, इमिटेशन ज्वेलरी है, लुक्स लाइक वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी इसकी फिनिश है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। ये असॉर्टेड रिंग सेट है, आपको दिखाने के लिए मैंने सारी ही एक ही हाथ में पहन ली है। आप जैसे चाहें इन्हें मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। मैं बता रही थी कि क्वालिटी बहुत अच्छी है, फॉर द प्राइस बहुत ही अच्छा मुझे लगा, इनका क्वालिटी फिनिश बहुत अच्छा है। तो मुझे उन्होंने भेजे थे ज़्यादातर चांद बाली, मैं आपको दिखा रही हूँ, मुझे ये सारे ही अच्छे लगे, सारे ही बराबर अच्छी क्वालिटी के हैं। और ये एक नेकलेस सेट है, ये मम्मी को बहुत अच्छा लगा, इसका जो डिज़ाइन है, जो पैटर्न है, मम्मी को काफ़ी एलिगेंट लग रहा था ये, पर मुझे सच पूछिए सारे ही अच्छे हैं फॉर द प्राइस। और ये एक बैंगल सेट है, कितने प्रिटी लग रहे हैं ये। जूल्स गैलेक्सी की ज्वेलरी काफ़ी अच्छी तो है ही, आप देख सकते हैं, काफ़ी अफोर्डेबल भी है, लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वही हो गया, वही हो गया। अरे अरे हाँ। मम्मी पापा बुला रहे हैं, दूध लाया, दूध ले। अरे दूध लाया, चल नीचे चल, आजा जल्दी आओ, खाना बना रहा है, दूध ले, चल यार, सब बुला रहे हैं। अरे दूध ले रहे, अंदर ही क्या होगा, दूध तो ले रहे। मम्मी दूध ले रहे, जल्दी आ, जल्दी आओ, लाओ, आ जा। अच्छा अच्छा और तू लगा दिया, लगा दिया। Happy Holi! दूध भी लगा। बिना दूध नहीं मिला। पापा लगाएं, पापा। Happy Holi! Happy Holi! चलो।
ऐसी रंग मेरे लिए सब बने रहे खुश रहे सब। खुशी वाली कुकी कर दी है। हां जी और इसके बाद मैं और शर्मा जी चले गए थे नीचे सोसाइटी में होली खेलने के लिए और पापा मम्मी पूजा का काम करने लगे। यही सहारा होता है जब घर में बड़े लोग होते हैं, एटलीस्ट पूजा के काम एकदम टाइम पे हो जाते हैं, वरना अगर पापा मम्मी नहीं होते ना तो मैं शायद होली खेलने नहीं जा पाती, क्योंकि पूजा करना मेरे लिए भी फर्स्ट प्रायोरिटी है। मम्मी ने फटाफट से हलवा पूरी बना दिया। ये है बाय द वे होली के दिन की क्लिपिंग। तो इस दिन हमारे घर में पक्का खाना बनता है, हलवा पूरी से पूजा की जाती है, हनुमान जी की जोत की जाती है। तो मम्मी ने हलवा पूरी बना दिया फटाफट से और पापा ने कर दिया जोत हनुमान जी का, और इस तरह उन दोनों ने मुझे बहुत सारा टाइम दे दिया होली एंजॉय करने का। मैंने होली खेला भी, आराम से शावर भी लिया, और तब तक यहाँ मम्मी पापा सब कुछ कर चुके थे। फिर आके पूजा में हम लोग सारे सम्मिलित हुए और उसके बाद फिर हम लोगों ने लंच कर लिया। बाय द वे शर्मा जी का ऑफिस था होली के दिन भी, तो खाना वाना खा पी के पूजा करके वो तो चले गए थे ऑफिस, और शाम में थोड़ा एक डेढ़ घंटा वो जल्दी आ गए थे। मम्मी पापा ने बहुत सारी जिम्मेदारियां संभाल ली तो मुझे बहुत टाइम मिल गया। अदरवाइज़ जो हम लोग होती है ना हाउसवाइफ्स, वो लोग क्या ज़्यादातर जिम्मेदारी निभाने में ही भागते रहते हैं। त्यौहार के दिन तो और भी ज़्यादा बिजी, ना ठीक से होली खेल सकते हैं, ना ठीक से त्यौहार मना सकते हैं, बाकी कोई भी, सिर्फ ये रहता है कि जिम्मेदारियाँ हो जाएँ, टाइमली पूजा पाठ और जितने भी रीति रिवाज हैं वो सारे निभ जाने चाहिए। मैंने बुझा सब असुर संहारे, दैने बुझा सब संत उबारे, सुर नर मुनि जनारती उतारे, जय 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 हनुमान जी उचारे। जय बाबा की, जय सियाराम, जय जय हनुमान। और घर फैमिली परिवार बनता है उसके सदस्यों से। घर में हर किसी की अपनी इम्पोर्टेंस है, चाहे वो कितना भी काम करे ना करे, अर्न करे ना करे, ये सब फिर सेकेंडरी बातें हो जाती हैं। घर में छोटों की भी अपनी इम्पोर्टेंस है, बड़ों की भी अपनी इम्पोर्टेंस है, और मैं आपको बता नहीं सकती, वो जब होते हैं तब हम शायद उतना महसूस करें ना करें, लेकिन जब वो नहीं होते हैं ना तब बहुत ज़्यादा ख्याल आता है, उनकी कमी महसूस होती है। और शायद आप मेरी बात से अग्री करेंगे, परिवार एक पेड़ की तरह होता है, उसकी जड़ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितने इम्पॉर्टेंट उसके पत्ते हैं। हलवा पूरी आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी मम्मी बना चुकी थी, मैं बनाने लगी हूँ यहाँ थोड़े से मालपुए। होली पे मालपुए दही बड़े बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं मालपुए की रेसिपी आपको देने वाली हूँ। मालपुए के लिए ना चाशनी बनाई जाती है, और ये चाशनी एक तार दो तार की नहीं होती है, ये ऐसी चाशनी होती है जैसी कि रसगुल्ले या जलेबी की होती है, स्टिकी हनी जैसी, तार वार नहीं लगाते हैं इसमें। और मालपुए बेसिकली रबड़ी या तो मावे के साथ बनाए जाते हैं, पर मैं बना रही हूँ इंस्टेंट वाले। तो मैंने यहाँ पे लिया है आधा कप मिल्क पाउडर और आधा कप में एक चम्मच कम मैदा, ये एक चम्मच है सूजी की, यानी कि बराबर बराबर आपको मैदा और मिल्क पाउडर लेना है, सिर्फ एक चम्मच मैदा निकाल के सूजी ऐड कर दीजिए। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम बस चुटकी भर नमक, थोड़ा सा नमक मिलाने से मीठे का स्वाद उभर आता है। इसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको एक अच्छा सा बैटर बनाना है दूध की सहायता से। ट्रेडिशनली मालपुए में रबड़ी या तो दूध डलता है, पर हम जैसे इंस्टेंट बना रहे दूध नहीं आई एम सॉरी रबड़ी या तो मावा डलता है, पर हम इंस्टेंट बना रहे हैं इसलिए मैंने मिल्क पाउडर और दूध का इस्तेमाल किया है, और ये बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज टेस्ट नहीं होता है, बहुत अच्छे लगते हैं। आप बनाइएगा तो आप महसूस करेंगे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। बैटर बनाने के बाद इसमें मैंने ज़रा सी इलायची का पाउडर डाल दिया, और इसे थोड़ा ना रेस्ट करने रखिए ज़रूर कम से कम 10-15 मिनट। और यहाँ पे चाशनी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये स्टिकी है लेकिन बिल्कुल भी इसमें तार नहीं आ रहा है, ऐसी ही चाशनी चाहिए। और इसमें मैं कलर के लिए डाल रही हूँ थोड़ा सा येलो कलर, आप चाहें तो केसर डाल सकते हैं, थोड़ा सा वो जलेबी वाला कलर देने के लिए मैं इसको कलर दे रही हूँ, एंड इट इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। और अगर आप कलर डाल रहे हैं ना तो चाशनी बन जाने के बाद गैस बंद आप कर दें, उसके बाद ही ऐड कीजिएगा। बैटर की थिकनेस आप देख लीजिए, ये बिल्कुल फ्लोई होना चाहिए लेकिन रनी नहीं होना चाहिए, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। रनी आप बना देंगे ना तो बिल्कुल हैंडल नहीं होंगे आपके मालपुए, और अगर थिक बना देंगे तो वो पूरी जैसे स्टिफ हो जाएंगे। तो ये केक का बैटर जैसे हम करते हैं ना उससे ज़्यादा पतला आपको बनाना है, और मीडियम टू स्लो फ्लेम पे दोनों तरफ से
जैसे मैं तेल उछाल रही हूँ, बाय द वे मैं घी में सेक रही हूँ, घी में सेकने से इनका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह लेडल फुल बैटर आप लीजिए, कढ़ाई में डालिए और जो आपका जो मालपुआ है ना, इसके ऊपर इस तरह थोड़ा थोड़ा तेल उछालिए और इसे स्लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लीजिए। जल्दबाजी मत कीजिएगा, इसको पकने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। और इसके बाद या तो आप इसे कुछ 30 सेकंड ठंडा कर लीजिए और उसके बाद चाशनी में डाल लीजिए, तो ऐसा करने से आपके मालपुए कम मीठे बनेंगे, या तो आप डायरेक्टली उसको चाशनी में डाल दीजिए, तो ऐसा करने से मालपुए थोड़ी ज़्यादा चाशनी अब्सॉर्ब कर लेते हैं, इन केस यू लाइक थोड़ा सा ज़्यादा मीठा। तो मैं तो डायरेक्ट ही डाल रही हूँ क्योंकि मीठी चीज़ मीठी हो तभी अच्छी लगती है। और अगर आप अच्छी तरह से ये रेसिपी बनाएंगे ना, तो आई टेल यू बिल्कुल रसगुल्ले का स्वाद इसमें आता है, बहुत यम्मी लगते हैं ये मालपुए। बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको इसका ये रेसिपी बनाना है और इनको चाशनी में भी बहुत देर डुबो के नहीं रखना है क्योंकि ये अब्सॉर्ब कर लेंगे बहुत ज़्यादा चाशनी और फिर बहुत ज़्यादा मीठे मीठे बन जाएंगे। तो सिर्फ 30 सेकंड इज इनफ, एक बार ऊपर से लगा दीजिए, एक बार नीचे से लगा दीजिए। और मैं वहाँ मालपुआ छोड़ के इधर मालपुआ ड्रॉप कर रही हूँ, इसके बाद मैं वहाँ से निकाल लूँगी। तो बहुत ज़्यादा वक्त चाशनी में इन्हें मत डुबो के रखिए। अच्छी इसमें बोलते हैं जाली, झिल्ली झिल्ली तैयार होती है अंदर और बहुत यमी लगते हैं ये। जो मालपुआ की ऑथेंटिक रेसिपी है ना, उसमें जो ये सारा का सारा आटा जो आपने लगाया है ना, जो बैटर हमने बनाया है, ये बेसिकली पहले रबड़ी बनाई जाती है मावे और दूध के साथ, उस रबड़ी में फिर ये आटा मिला मिला के बैटर तैयार किया जाता है। वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, जैसे मैंने बनाया है ये एकदम इंस्टेंट वाला वर्जन है, पर टेस्ट ऑलमोस्ट सेम आता है। मैंने पापा को खिलाए थे, पापा को भी बहुत अच्छे लगे क्योंकि पापा है ना, मतलब मेरे ससुर जी, उन्हें बहुत अच्छी परख है स्वाद की, तो कहीं भी ज़रा ऊपर नीचे होता है वो कैच कर लेते हैं, पर उनको ये काफ़ी पसंद आए। आप बनाइएगा और जब बनाएंगे तो मेरे साथ ज़रूर आपके एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिएगा, बताइएगा आपको कैसे लगे। तो ये तो हो गए हैं मालपुए रेडी, यमी टेस्टी और एकदम क्विक बनने वाले। और इसके साथ ही आ गए हम इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो, ये रेसिपीज़ पसंद आई हैं। वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को एक लाइक दे सकते हैं, रेसिपी को ट्राई दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अब मैं मिलूँगी आपसे कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।